द्रौपदी ने भरी सभा में चारों तरफ नजर उठा करके देखा, कोई साथी हिमाती नजर नहीं आया। आखिरकार पांचों पांडवों की तरफ देखा तो पांचों पांडव देख करके द्रौपदी से एक बार नजर मिली और मिला के नजर गर्दन झुका गए। पिता में भीष्म की तरफ देखा, गर्दन झुका गए। कुलगुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा, गर्दन झुका गए। कृपाचार्य की तरफ देखा तो गर्दन झुका गए। नीतिवान चाचा विदुर की तरफ देखा तो देखते ही एक दिल में दर्द सा उठा। अरे दुर्योधन, ये पांचाली जैसे लाई गई है लेकिन इसे आदर के सत्कार के सहित महलों में भेज दे, तेरी इसमें भलाई। तू जो अधर्म करने जा रहा है ये अधर्म तेरा ठीक कोन्या। कह दिया कि चाचा विदुर अधिक बोलने की मत कोशिश हर बार करे, और शेरों की पंचायत भरी में तू आज फैसला शेयर करे। बैठना हो तो बैठना, तो लिकर सवास। सज्जन पांचाली द्रौपदी दुर्योधन की गद्दी के आगे बढ़ जाती है और क्या कहती है पांचाली, और क्या कहता दुर्योधन सवाई एवं रागने के माध्यम से, आइए सुने। पांचाली आओ, युवराज दुर्योधन की सभा में तुम्हारा भव्य स्वागत है। ये युवराज दुर्योधन तुम्हारा स्वागत करता है। लेकिन मेरे परम आदरणीय जेठ जी, जेठ जी मुझे पहले ये बताइए कि इन मर्दों की पंचायत में मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है। आज घने सारे मर्द थे और इनके बीच में कोई जी बहलाने वाली नहीं थी, इसलिए मतलब? इतने मर्दों के बीच में एक आध गुड़िया तो चाहिए। मतलब मैं गुड़िया हूँ? एक आध तस्वीर तो इसी हो जिससे जी बहला ले। जी मतलब मैं जी बहलाने की चीज हूँ क्या? मैं कोई खिलौना होगा जिससे खेल लोगे? जिसे दिन में जी बहला ले और रात में देख देख के रात काट ले। लेकिन द्रौपदी तो जी का मतलब जानती, जी का मतलब जानती तो शायद तू यहाँ नहीं आती। आप एक चक्रवर्ती राजा हो फिर? और आपको यह पता होना चाहिए क्या कि राज घरानों की बहुएं कभी राज दरबारों में नहीं जाया करती। मैं एक चक्रवर्ती राजा? हाँ। तो तुझे भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि एक चक्रवर्ती राजा को किस तरह से राजा के सामने पेश होना चाहिए और किस तरह से चक्रवर्ती राजा का आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं तो आपसे आदर के साथ ही तो बातें कर रही हूँ। सिर के ऊपर कपड़ा है, शर्म कर रही हूँ आपकी, जी लगा के बातें कर रही हूँ। तुमने वो आलीशान सा महल बनाया? हाँ। मुझे बुलवाया उस महल में। अच्छा। और उस महल में कारिस्थानी थी? हाँ। कि जहाँ पानी था वहाँ जमीन थी, जहाँ जमीन होनी चाहिए थी वहाँ पानी दिखता था। करिश्मा था। मुझे वहां बुलवाया और मैं वैसे शीशे भर के महल में जमीन देख करके मैंने कदम बढ़ाया तो वहां पानी निकला, मैं गिर गया। तो तूने क्या कहा था? क्या कहा था? कि अंधों के तो अंधे पैदा होते। अगर अंधे के अंधे को अंधे का अंधा ना कहूं तो आंखों वाला कहूं? आज ये अंधे का अंधा नहीं है। तुमने मुझे अंधे का अंधा क्यों कहा? क्यों कहा? वैसे हंसी मजाक में कह दिया था। हंसी मजाक औरत हंसी मजाक एक ससुर से कर सकती है, देवर से तो करती है। ठीक। लेकिन तुझे ये पता होना चाहिए कि जो जेठ का रिश्ता होता है औरत के लिए ससुर से भी बड़ा होता है। ससुर को भी औरत गोदी में खिला सकती है, लेकिन एक जेठ ऐसा जो औरत कभी भी गोदी में नहीं खिला सकती। ये नाता तो ससुर से भी बड़ा होता है जेठ। क्यों बोली? माफ कर दो मुझे माँ जेठ जी। नहीं माफ किया जाएगा, अपनी बात कहो। आज तो जो किया जाएगा वो माफ कर दो मुझे जेठ जी। नहीं अब आज तो जी लगा के माफ करेंगे। अच्छा हाँ कहो अपनी तो बात। सुनिए मेरी। सुनो
अरे पड़ा बोलना जेठ समय का, अच्छा तू लाभ ना थई की पड़ा बोलना जेठ समय का लाभ ना थइए। एक काम कर ले, कहिए जेठ जी। अरे मैं अंधे का अंधा हूँ, मत इतनी शर्मिए करुणा, मैं जाता पंगी सभा में ना चले नंगी, करुणा मैं जाता पंगी सभा में ना चले नंगी। ओ पड़ा बोलना जेठ समय का लाभ ना थइए, अरे मैं अंधे का अंधा हूँ, मत इतनी शर्मिए वो बंधन में आ रहे। अरे पांच पति मेरे जिंदे क्यों इतनी धमका रहे, तू चिंता कर भी गुमान करे आज वो बंधन में आ रहे। तेरा चीर तराऊं ना जीना, मन नगन नचाऊं ना जीना, तेरा चीर तराऊं ना जीना, मन नगन नचाऊं ना जीना। अरे हाथ गले में हाथ तले मैं केर बैठ मेरी धंधा बजाइए, चाहे तेरे दस क्यों ना हो, तू पांचों की बात करती है। हाँ। चाहे तेरे पचास हो, तेरी चटनी नहीं आएगी बटने में। तेरे पचास पति क्यों ना हो, एक भी ना बोलने का। पांच है, पांच चार। और पिता में भीषम की बात करती है। हाँ, बोलेंगे ये। कृपाचारी दोनों द्रोणाचार्य की बात करती है। बोलेंगे। हाँ, बुलवा ले किसी को, बोलेंगे बुलवा ले। पहले पहले तो पिता में भीषम को बुलवा ले। दादाजी दादाजी देख लो, कुछ नहीं कहेंगे, ये मेरे ये मेरी और है मेरी सभा में। हंस रहे हो, दादाजी की तो टाइम टाइम फिसो कह रहे हैं, जो तने करिया उसका भरना पड़ेगा। भीषम द्रोणाचारी क्यों, भीषम द्रोणाचारी क्यों, कहते ना इंसाफ की नहीं कमाई खाता है। हाँ। कोई तेरे बाप की भीषम द्रोणाचारी नहीं कमाई खाता है, कोई तेरे बाप की नहीं कमाई खाता है, कोई तेरे बाप की। आज बेहद रो जा, आज चुप की हो जा, तू बेहद रो जा, आज चुप की हो जा। अरे इसमें मेरा दोष नहीं, इसमें मेरा दोष नहीं, फल करनी का पहिए, मैं अंधे का अंधा हूँ, मत इतनी शर्मिए करुणा।
₹500 मन चौधरी के लिए। आदरणीय श्रीमान भामराज जी सनोप श्री खेताराम सरपंच लंबरदार ₹1000 से पार्टी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। और आदरणीय श्री माडूराम पटेल मासी गांव डाकोड़ा से जो ₹200 से पार्टी का सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे परम पूज्य जेठ जी, पिता में भी कृपाचारी द्रोणाचारी इनमें से कोई नहीं बोलेगा, ये तेरे बाप की कमाई नहीं खाते। नहीं खाते, नहीं खाते, मुझे माफ कर दो। तूने अंधे का अंधा क्यों कहा? माफ कर दो मुझे प्लीज। नहीं माफ किया जाएगा, आज तो तूने जैसा किया वैसा भरना पड़ेगा, और जैसा पकाया उसा खाना पड़ेगा, और जैसा बोया उसा काटना पड़ेगा। हाथ जोड़वा लो, माफ कर दो जेठ जी। हाथ पिता में भीषण से जोड़, हाथ जोड़ा तो। ओ जा मत कर, तेरे जैसे से मैं माफी मांगूंगी। अच्छा, तू अपने आप को समझ क्या रहा है? अब तक तो मैं जेठ जी कह के बात कर रही थी, लेकिन तू जी कहलवाने के भी लायक नहीं है। ए पंचली, तो मैंने सिर ढक रखा था, लेकिन जाओ गाड़ दिए। चल दुशासन को, दुशासन को आदेश की जरूरत है। क्या बात है, एक फुट जीभ लेकरती बाहर आओगी। दुशासन को भूख से उड़ा देगी द्रौपदी। अपनी बात सुना है। बहू समझ ली गए थी, बड़ी कहानी बन जाएगी, सेठ बहू के पैर की, अब की अपनी समझे था, आज बहू समझ ली गए थी, मन बोली मारी मारी गए, मेरी इज्जत तारी तारी गए, तन बोली मारी ना जी ना, मेरी इज्जत तारी ना ना ना, बहू बेटी ना सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं अंधे बैठा हूँ बते इतनी शर्मिए करू ना, मैं ज्यादा तंगी सभा में ना चले नंगी, करू ना मैं ज्यादा तंगी सभा में ना चले नंगी। खेताराम जी के लाडले सुपुत्र जो लड़के के पिताजी हैं आदरणीय श्रीमान उदयभान रावत जी थनवास, जो 1100 पहले 1000 और 2100 रुपए 2100 रुपए से पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। और एक बार उदयभान जी एक बार खड़े हो जाएं, जिनकी ये मेहनत आज रंग लाई है। हाँ, ये लड़के के पिताजी हैं। आइए, पूरे इलाके की तरफ से, पूरे श्रोताओं की तरफ से, हमारी टीम को, हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना है। वो सुंदर सा जोड़ा बने, वो सुंदर सा जोड़ा राम और सीता जैसी जोड़ी, आपको पिताजी दशरथ समझ करके आपकी सेवा करें, आपके नाम को रोशन करें, बाबा खेता के नाम को रोशन करें। एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद दीजिए परिवार को, जोरदार तालियों। आज से पहले मैं तुझे अपने भाइयों की गड़ियाड़ी समझता था, अच्छा अपने कुल की लाज समझता था, लेकिन आज से तू मेरी नजरों में कुछ भी नहीं, तू मेरी पक्की दुश्मन है। और आज से तू भी मेरा पक्का दुश्मन।
दुश्मन है, तू मेरी नजरों में गिर गया आज। अच्छा हाँ, हमें तुझे करना है। और दुर्योधन सुन मेरी बात। सुना, जो तेरी ये घटिया करतूत है ना, हाँ, इसका अंजाम इतना बुरा होगा कि तू सपने में भी नहीं सोच सकता। अंजाम की देखी जाएगी। और तुझे पता नहीं है मैं बहन किसकी हूँ, भाई आएगा ना होगी माखन चोर की, भगता ही नजर आएगा होगी किसी लुटेरे की। अरे ये तो उसकी लीला है, लीला होगी किसी चोर की। अच्छा होगी किसी बेईमान की बहन, तेरे से बड़ा बेईमान नहीं है दुनिया में, भाइयों का हक मार के बैठा है। होगी किसी मंगता भिखारी की बहन। अच्छा हाँ, तेरी नजरों में दुनिया पूछ दिया उसे, कहे अपनी बात। मेरी बात जान गई ना देर अब, कह रो थारे नाश में, करनी शर्म शिकार दूंगा बेहूदी बदमाश में। अब शोर देख ले, जा जा जा, मेरा जोर देख ले, दुखा दुखा, मेरा शोर देख ले, चल चल चल, घना जोर देख ले, जा जा जा, कहे जे करण हिमाती तेरा, कह जे करन चाहे हिमाती, कृष्ण भी आइए। अच्छा।